प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फेवर पर। और आज की क्लास बीएसटीसी की क्लास रहने वाली है। बीएसटीसी की जो भी तैयारी कर रहा है, इसके साथ साथ पीटीटी के लिए भी ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगी। बीएसटीसी पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। पूरा का पूरा मॉडल पेपर रहेगा, जिसमें हम जीके के प्रश्न, राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, सारा मोटा सा मॉडल पेपर रहेगा। तो मॉडल पेपर को लास्ट तक देखना है, अच्छे प्रकार से जुड़े रहना है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा। काफी मेहनत लगती है दोस्तों इस प्रकार का मॉडल पेपर तैयार करने में। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रीजनिंग के पहले प्रश्न रहेंगे। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि वर्षा मापी वर्षा से संबंधित है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। सीटी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ही आपका प्रश्न रहेगा। तो देखिएगा, वर्षा मापी है वो वर्षा मापने का यंत्र होता है दोस्तों, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ है वो तापक्रम मापने का यंत्र होता है। तो तापक्रम का तो थर्मामीटर होता है, प्रवाहधारा मापने का होता है भूकंप का या आर्द्रता का। तो भूकंप मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों, उसे रिएक्टर रिएक्टर में मापा जाता है, और उस यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी ई एल ई बी आर ए टी आई ओ एन, इनके सेलिब्रेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये एक अक्षर दे रखा है, इस अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनता है। टी ए आई एल ओ आर, तो देखिए टी ए, उसके बाद ये आई पड़ा, एल पड़ा, ओ पड़ा, आर पड़ा, टेलर तो बन रहा है। ए सी टी आई ओ एन, तो देखिएगा ए पड़ा है, सी पड़ा है, टी आई ओ एन बन रहा है। सी आर ई ए टी, तो सी आर ई ए टी ई बन रहा है। बी आर ई ए टी एच, तो देखिए बी आर ई ए टी, ये वाला एच नहीं है अपने पास, तो ये क्या है, नहीं बन सकता, हमें यह नहीं बन सकता पूछा है। तो डी ऑप्शन आई थी ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें एच है, ये वाला एच इन अक्षरों में नहीं दे रखा है। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं और लेवल के प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है यानी गोलो यारन बराबर बलू स्काई है। देखिएगा ये दोस्तों गोलो यारन है, इस गोलो यारन, ठीक है, गोलो यारन को लिख रहा है ब्लू स्काई, क्या लिख रहा है, ब्लू स्काई। और सिल्की सपाटी है, इसको लिख रहा है ये यहाँ पे बाईसाइकिल रेस, और गोलो सिको को लिख रहा है ब्लू साइकिल। तो इसने पूछा कि किस शब्द का अर्थ है वो रेस कार हो सकता है। तो देखिए इसको अपन को कैसे पहचानना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इसके अंदर भी गोलो आ रहा है, इसमें भी गोलो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें कौन सी चीज कॉमन है, ब्लू इसमें भी आया, ब्लू इसमें भी आया, मतलब हमें पता चला कि गोलो का मतलब तो ब्लू होता है, ठीक है। तो गोलो आएगा ब्लू, तो हमें तो रेस कार का पूछा तो ये होगा नहीं गोलो वाला। तो उसके बाद देखिए इसमें यारन आ रहा है, इसमें सिक्को आ रहा है, तो यहाँ तो बाईसाइकिल हो सकता है और इसका ही हो सकता है, जबकि हमें तो रेस कार चाहिए, तो बारन भी नहीं होना चाहिए और सिक्को भी नहीं होना चाहिए। सिक्को वाला भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे दोस्तों, काट दिया। उसके बाद बात करते हैं आगे की, तो देखिएगा रेस इसमें आ रहा है, रेस हमें चाहिए, तो रेस के लिए क्या कोड होगा वो पता लगाएंगे। देखो रेस इसमें आ रहा है और बाईसाइकिल इसमें भी आ रहा है, बाईसाइकिल इसमें भी आया, तो देखो बाईसाइकिल का क्या है वो पता चलना। तो सिक्को इसमें भी आया, सिक्को इसके भी आया, मतलब बाईसाइकिल बाईसाइकिल के लिए आ रहा है, सिक्को आ रहा है, तो पीछे रेस रहा, रेस के लिए क्या आ रहा है, सपाड़ी आ रहा है, सपाड़ी इसमें मतलब रेस के लिए तो क्या आएगा, सपाड़ी आएगा, ठीक है। अब कार, तो कार के लिए क्या आ रहा है वो हमें पता लगाना है यहाँ पे। तो देखिएगा वोलो है वो तो कार के लिए हो सकता है, लेकिन क्या है, सिक्को तो हो नहीं सकता, तो सपाड़ी वोलो वाला भी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सपाड़ी वाले तो क्या बाईसाइकिल के लिए प्रयोग में हो रहे थे, तो यहाँ सिक्को है वो बाईसाइकिल के लिए प्रयोग हो रहा था। तो बी ऑप्शन राइट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार पुनः देखिएगा, नहीं आया तो कॉमन लेना है और क्या है पता करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है श्रृंखला पूरी कीजिए, एक श्रृंखला दी गई है आपको, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। 1, 4, 9, 16 और 25 सीटी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का पेपर रहेगा ये। तो देखिएगा एक का वर्ग है एक, फिर दो का वर्ग चार है, फिर तीन का स्कोर 9 है, चार का स्कोर 16 है, पांच का स्कोर 25 है, तो आगे 6 का स्कोर 37 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक दिन सुबह सूर्योदय के समय रीता और कविता एक दूसरे की ओर मुख किए बात कर रही थी। दोस्तों एक दिन सूर्योदय के समय, तो सबसे बड़ी बात है सूर्य पूर्व दिशा में है, सूर्य इस दिशा में हो जाएगा आपका, ये याद रखना है। और ये ऐसे है सूर्योदय के समय रीता और कविता एक दूसरे की ओर मुख किए बात करिए। एक कोई रीता एक कविता ये एक दूसरे की ओर इनकी दोनों के आमने सामने देखा हुआ है, बात करिए। कविता की छाया रीते के ठीक दाईं ओर है, देखो इस चीज को समझिएगा। सूर्य क्या है पूर्व दिशा में, तो छाया किस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी, इतना हमें पता चल गया, चल गया। अब इसने क्या कहा कि कविता की छाया रीता के दाईं ओर है, ये रीता इस तरफ खड़ी रहे और कविता अगर इधर खड़ी रहे, इस कविता की छाया इधर पड़ेगी, तो ये रीता के किस ओर पड़ेगी, क्या दाईं ओर पड़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसे सीधी सीधी खड़ी रहे, दाईं ओर पड़वाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा
कविता ऐसे खड़ी रहे और इधर रीता खड़ी रहे, तो इधर से सूर्य की जो किरणें आएगी तो फिर क्या है, उसकी साया इधर पड़ेगी, और रीता का मुख इस तरफ है तो इधर इसका दायां हाथ होगा, तो कविता की साया बिल्कुल रीता के दाईं तरफ खड़ी होगी, कुछ इस प्रकार खड़ी होगी। तो हमें पूछा कि कविता का मुख किस दिशा में था, तो देखिएगा कविता इधर खड़ी इधर करके मुंह, तो इधर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, लेकिन छोड़ना मत क्लास को, बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, डेविड अनिल का पोता है, ये राजस्थान पुलिस का प्रश्न है जो सीट में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा डेविड है वो अनिल का पोता है, मतलब डेविड है अनिल का पोता है, मतलब अनिल तो कौन है, दादा है, अनिल दादा है, दादा के बाद इसका कोई पापा होगा, पापा के बाद कौन है, डेविड है, तो डेविड अनिल का पोता इतना हो गया। रॉय अर्बन का भाई है, रॉय नाम का व्यक्ति है जो क्या है, अर्बन का भाई है, इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। रितेश डेविड के पिता, अच्छा डेविड का पिता कौन है, रितेश है, लो ये रितेश कौन है, डेविड का पिता है, तो पूछा अनिल का रितेश से क्या संबंध है, तो रितेश डेविड का पिता है और डेविड कौन है, अनिल का पोता है, तो सीधी बात है रितेश क्या हो रहा है, रितेश इसके पिता हो रहे हैं और डेविड इसका क्या हो रहा है, बेटा हो रहा है। हमें क्या पूछा गया है कि अनिल का रितेश से क्या संबंध है, अनिल का बेटा है रितेश और उसका बेटा कौन है, डेविड है, तो ये क्या है, अनिल का रितेश से क्या संबंध है, तो बेटे वाला संबंध है, पिता वाला, तो देखिए अनिल का पूछा, किसका, अनिल का, अनिल का रितेश से पिता का संबंध होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। बेटा का कैसे होता, अगर वो ये पूछता ना, प्रश्न पूछने में समझिएगा, अगर वो पूछा कि रितेश का अनिल से क्या संबंध है, तो रितेश का अनिल से क्या संबंध लगता है, अनिल से ये क्या लगता है, भाई बेटा लगता है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 3 वर्ष बाद ठीक है इसी दिन कौन सा दिन होगा, 3 जनवरी 1997 को कौन सा वार है, शुक्रवार, अच्छा, और 3 वर्ष बाद यानी कि 98-99 इस वर्ष कौन सा वार होगा, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें कि इस वर्ष कौन सा वार होगा, तो प्रत्येक साल एक दिन क्या है बढ़ता है, लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, यहाँ पे अभी तक हमें कोई लीप वर्ष तो नहीं लिखा है, लीप वर्ष ऐसा कोई नहीं है जो क्या है 2 दिन बढ़े, तो देखे शुक्रवार से इस अगले दिन शनिवार हो जाएगा, इस अगले दिन रविवार हो जाएगा, कितना साल हुआ, 1 साल और 2 साल, वापस अगले साल तीसरे साल सोमवार आ जाएगा, तो इसी दिन क्या है सोमवार हो जाएगा तीसरे साल, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, यानी किसी घड़ी में 4:45 हुए हैं तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी घड़ी के अंदर 4:45 हुए हैं दोस्तों, दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा, क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, सारे विषय के प्रश्न रहेंगे, प्रश्न थोड़े आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पेपर कुछ इसी ही प्रकार का आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपका काफी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो हमेशा 11:60 में से आप वास्तविक समय को घटा दो, ठीक है 11:60 यानी कि 12 बज जाएंगे भाई, 12 घंटे इसमें से वास्तविक समय, ये वास्तविक समय हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो वास्तविक समय कितना है 4:45, तो 4:45 को क्या कर दो घटा दो, 45 में से 60 में से 45 जाएंगे पीछे कितने रह जाएंगे 15 रह जाएंगे, 11 में से 7 जाएंगे पीछे कितने रहेंगे 7 रहेंगे, तो 7:15 है कि ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स की लुप्त संख्या ज्ञात करो, दोस्तों एक मैट्रिक्स दी गई है आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसकी आपको लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है, कीजिएगा ये कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है, देखिएगा तो दोस्तों कुछ आपको समझ में आ गया होगा, देखते ही कि 8 को 9 से गुणा किया तो 8×9=72 आ गए, तो इसी प्रकार 45 को 9 से गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना हम लिखेंगे, तो ऐसा तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हो सकता है इस वाली संख्या को 9 से गुणा करें तब 45 आ रहे हो, तो 9 को 5 से गुणा करते हैं, अगर 5 रखें तो 5 को 9 से गुणा करते 45 आ सकते हैं, 45 हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है, तो फिर सी ऑप्शन रास्ता आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैन बेबी फ्लोवर, देखिएगा एक मनुष्य होता है, मैन का मतलब आदमी, आदमी दोस्तों छोटा होता था बेबी होता है, सबसे पहले आदमी बेबी होता है उसके बाद वो आदमी बनता है, उसी प्रकार फ्लोवर यानी कि फूल, फूल पहले क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, बड बड का मतलब कली, फूल पहले कली होती है, फ्रूट फल होता है, सीड बीज होता है, और बटरफ्लाई यानी कि तितली होती है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो बेबी है, बेबी आदमी बनता है बड़ा होकर, उसी प्रकार जो बड होती है ना, बड क्या करती है कली है, वो फूल का निर्माण करती है, बीज नहीं करता, ध्यान रखना बीज से तो पौधा बनेगा ना दोस्तों, फल से फूल से फिर फल बनता है, तो बड यानी कि जो कली होती है वो क्या करती है फूल का निर्माण करती है, ये ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला आपके राजस्थान जीके के वो प्रश्न है जो काफी क्या है, रट लीजिए रात के 2 बजे भी आपको ये प्रश्न याद रहने चाहिए, अगर नींद में भी कोई जगह के पूछे तो उत्तर सही होना चाहिए, कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, कांठल, तो देखिएगा दोस्तों कांठल है ये आपका जो
एक प्रकार से कहे तो प्रतापगढ़ का जो भाग है ना, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, उसे कंठल या देवलिया कहा जाता है। भाकर की बात करें तो सिरोही के अंदर जो पहाड़ियां होती है उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। गिरवा उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है, पीछे रहा हमारा मेवल जो ही क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम सही नहीं है, कौन सा युगम है जो गलत सुमिलते, बनास की सहायक नदी कोठारी, माही साबरमती, साबरमती अपने आप में स्वतंत्र है दोस्तों, चंबल की पार्वती, लूणी की सुकड़ी। तो देखिए ये गलत है, माही की साबरमती नहीं हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, इसका मुख्य आकर्षण है। दोस्तों घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, इसका मुख्य आकर्षण का कारण क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे कुर्जा पक्षी आते हैं, गोडावन आते हैं, कोयल आती है, या साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो आप सभी को पता है घना पक्षी विहार के अंदर रशियन यानी साइबेरियन क्रेन आते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध है। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लाई गई, इसका किससे संबंध है, कौशल विकास से, बेरोजगारी भत्ता से, युवाओं के लिए लोन की स्कीम है, या क्या है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है। तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपए के आसपास का, उसके लिए ये क्या लाई गई थी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया। दोस्तों राजस्थान का एक राज्यपाल होगा, इसकी जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, या आयरलैंड से। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर में भी सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों बाड़मेर जिले की आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में बढ़ी है, बाड़मेर में बढ़ी है, और पूरे राजस्थान की वृद्धि दर 21.3% है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे एक एक प्रश्न टकर टकर वाला प्रश्न है, जिस प्रकार कुम्हार अपने मटके को यूं टपक टपक करके चेक करता है कि अच्छा बनना चाहिए, वैसे एक एक प्रश्न यूं लिए गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। क्लास को लास्ट तक देखना है और अपने और भी दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना है, ऐसी क्लास आप और भी चाहते हैं तो क्या है जरूर कमेंट करके बताना। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नस्ल और पशु सुमिलित नहीं है। एक तरफ कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नस्ल दी गई है, तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है। सांचोरी नस्ल की गाय होती है, मेहसाणा नस्ल की भैंस होती है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ होती है, और खेरी नस्ल की बकरी होती है। तो देखिएगा ये तीनों तो सही है, खेरी है, खेरी भी दोस्तों भेड़ की नस्ल है, बकरी की नहीं है, ये असुमिलित है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का उत्तर तोतादरी किसे कहा जाता है, मंडोर को कहा जाता है, बीनमाल को, गलता जी को, या अब अर्बुद पर्वत को। तो गलता जी तीर्थ स्थल है साथियों, इसे राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंडी कब स्थापित की। मेवाड़ के शासक रहे महाराणा प्रताप, इन्होंने अपनी राजधानी चावंड बनाई थी दोस्तों, ये चावंड राजधानी कब बनाई थी, 1687 में, 1500 क्षेत्र में, 1594 में, या 1585 में। राजधानी दोस्तों 1585 में बनाई थी। अभी इसको प्रश्न को पूछने का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही, तो 1597 तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही याद रखना, और पूछे कि चावंड कब तक राजधानी रही, तो चावंड तो 1516-1515 के आसपास की जो संधि होती है वहां तक रहती है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है, बताएंगे दोस्तों पद्मावती, उमादे, कर्मावती, या रूपमती। तो जैसलमेर के लोनकर्ण राव की पुत्री थी उमादे, जिसकी शादी मालदेव से हुई थी, जोधपुर के शासक मालदेव से, जिसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो ये रूठी रानी थे जो रूठ कर अजमेर के अंदर रही थी, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम से संबंधित राजस्थान में रॉयल कमीशन किस वर्ष आया था। अफीम से संबंधित एक रॉयल कमीशन आता है राजस्थान में, ये कौन से वर्ष आता है, ये आपसे पूछा गया है, 1893 में, 1816 में, 1856 में, 1888 में। दोस्तों अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है ये राजस्थान में 1893 के अंदर आया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है, किस महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है, ये आपको बताना है, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा, और चंद्रावती। तो दोस्तों देखिएगा आपने पंछीड़ा गीत गाने वाले व्यक्ति किसका नाम क्या है, माणिकीलाल वर्मा को सुना होगा, माणिकीलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, ये क्या मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, बताओ दोस्तों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, माणिकीलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, और महात्मा गांधी, के एम मुंशी। तो
कि एम मुंशी के मताव के आधार पर, सुझाव के आधार पर तो मत्स्य संघ नाम रखा गया था, और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलीम सागर व सूरज कुंड जल स्रोत कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार पुनः दोस्तों, सलीम सागर और सूरज सागर कुंड है ये जल स्रोत कहाँ है, बाला किला अलवर में है, तारागढ़ किला बूंदी में है, या मेहरानगढ़ किला जोधपुर, या दोस्तों शेरगढ़ का दूरा बारा के अंदर। तो सलीम सागर या सूरज कुंड के जो जल स्रोत है दोस्तों ये क्या है, बाला किला अलवर के अंदर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर में है, और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो देखिएगा, द्वारकाधीश मंदिर है ये राजसमंद के अंदर है, कांकरोली के अंदर है, जिन्हें हम श्रीनाथ जी के नाम से भी जानते हैं, कृष्ण भगवान आपका है एक प्रकार से, तो जयपुर का नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है, ये राइट नहीं है, तो ये क्या है, असुमेलित था, तो सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है, अजारा की ओवरी है ये कौन सी शैली का भित्ति चित्र है, जोधपुर शैली का है, देवगढ़ शैली का है, नाथद्वारा शैली का है, या किशनगढ़ शैली का, बताओ दोस्तों अजारा की ओवरी है वो कौन सी शैली का भित्ति चित्र है। तो जो देवगढ़ शैली थी उस देवगढ़ शैली के अंदर ही पनपा अजारा की ओवरी का चित्र है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, या नाथद्वारा। तो नाथद्वारा दोस्तों तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थेवा कला पूछे, थेवा कला आपकी कहां की हो जाएगी, प्रतापगढ़ की हो जाएगी, तारकाशी नाथ द्वारा। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, बताओ दोस्तों जो गिंदड़ नृत्य है ये कौन से अवसर पर किया जाता है, मुख्य रूप से सेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला ये नृत्य है, क्षत्रिय नृत्य है एक प्रकार का, और ये दोस्तों होली, विवाह, नवरात्र, या गणगौर। तो देखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा होली, गीदर नृत्य होली पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, दामोह जनजाति अधिकतर पाई जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार पुणे में आपको सीटी का एग्जाम है, ये सारे प्रश्न क्या है एग्जाम के अंदर दिखाऊंगा कि देखिएगा ये प्रश्न यहाँ से छपे हैं। तो दामोह जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती, कोटा और बारा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, या भीलवाड़ा में। तो दोस्तों डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, हिंदी के आपके दोस्तों प्रश्न आए हैं, कौन सा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा सर, कर्मधारय समास में होता क्या है, विशेषता बताई जाती है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सरासर, सराशर, एक दही तो कुछ नहीं हुआ, छुट्ट भैया, छुट्टा भैया, भैया काली मिर्च कैसी है, मिर्च काली है, भला मानस, मनुष्य कैसा है, भला है। तो इनमें तो विशेषता है, सरासर में कोई विशेषता नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर के पर्यायवाची शब्द है, घर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे निकेत, साकेत। तो दोस्तों निकेत तो होता पर साकेत नहीं होता है, सदन साकेत, ठीक है, और निकेत निले गृह और भुवन, तो भवन हो सकता है, भुवन तो नहीं होगा, भुवन संसार हो जाता है, निकेत और निले क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने घर के क्या है, पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम है, दोस्तों अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अंत, इति, अर्थ, या फिर अथ, बताएंगे अथ का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अथ का विलोम है ये अपना क्या हो जाता है, इति हो जाता है, अथ का मतलब स्टार्टिंग या शुरू होता है, इति का मतलब खत्म, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसका आचरण अच्छा हो, सॉरी अच्छा हो लिखा गया है, ठीक है, जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सद्भावी, सज्जन, साधु, या सदाचारी। तो सदाचारी, सदाचारी, सतधनाचार है सदाचार, तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम सदाचारी कहेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंटक, कटक और कंटक का सही अर्थ भेद है, कटक और कंटक है इसका सही अर्थ भेद क्या हो जाएगा। देखिए कंटक का मतलब कांटा होता है ये तो हमें पता है, कटक, कटक सोने को कहा जाता है, तो पहले में सोना होगा दूसरे में कांटा, यहाँ पे सेना लिखा गया, ये टाइपिंग एरर है, सोना और कांटा होता है, ठीक है, कटक सीधा लिखा हुआ है तो सोना है, और कंटक है तो कंटक का मतलब कांटा होता है, तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अक परते नहीं है, वो कौन सा शब्द है जिसमें अक परते नहीं लगा हुआ है, चालक, पालक, कारक और बालक, बताओ दोस्तों कौन से में अक परते नहीं है, चाल अक चालक होता है, पालना का पालक होता है, कार कारक भी हो सकता है, बालक
बालक तो अपने आप में एक शब्द है, इसमें अक पढ़ते नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, उप उपसर्ग आया है, लाभदायक, तो देखेंगे लाभदायक तो इसमें तो उपसर्ग का है कुछ नहीं है, पढ़ाई कोई उपसर्ग नहीं है, अपनापन तो आप नहीं बना गाती है, अब कहीं है क्या नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, उप उपसर्ग सीधा हमें दिख रहा है, उपकार हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो स्वर संधि से निर्मित नहीं है वो आपको बताना है। भानुदय, भानु उदय, ये स्वर संधि दोनों में स्वर आ रहे हैं, विद्यालय विद्या आलय आ रहा है, उत्थान, अरे उत्त है, उत्त व्यंजन संधि में आ जाएगा, अत्याचार अत्याचार भी है, तो सी ऑप्शन स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ? दोस्तों वो कौन सा वाक्य है जिसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका मुंह गोल है, कोई संख्या नहीं मिली हमें, कक्षा में 40 विद्यार्थी है, मिल गई दोस्तों कितने 40 विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में पीयूष है, पीयूष है, ये राम को पीट रहा है दोस्तों, इस वाक्य में पीयूष क्या है? मूर्ख है पीयूष, कर्म है पीयूष, बोला है पीयूष, या करता है पीयूष? तो कारक की दृष्टि से आपका प्रश्न आप यूं ना लिखिएगा दोस्तों कि पीयूष राम को पीट रहा है, मतलब पीयूष क्या है? मूर्ख है, ऐसा ना कीजिएगा। पीयूष राम को, तो पीयूष करता है, राम को पीट रहा है, तो पीयूष क्या है? करता हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारू रोग का रोग जनक है, विज्ञान के आपके प्रश्न है कि नारू रोग का रोग जनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, प्लेस्टा होता है, प्लेस्टा दोस्तों कोई ऐसा होता ही नहीं है, कर्मी होता है, या फिर क्या है? वायरस का, तो ड्रेकन मुलिस नाम का एक दोस्तों कर्मी होता है जिससे नारू रोग उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है? दोस्तों जो धातुएं होती है, धातुओं का एक गुण होता है कि धातुओं को अपन एक पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, ये क्षमता क्या कहलाती है इनकी? जैसे सोना होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये इसकी क्षमता है, तार के रूप में उसे हम खींच सकते हैं, तो ये दोस्तों तन्यता कहलाती है, आघात मध्यनता कहलाती है, सिनोरिटिसिटी कहलाती है, चालकता कहलाती है। दोस्तों देखिएगा, तन्यता कहलाएगी, तान के तार बनता है, आघात मध्यनता होती है जब हम धातुओं को पीटते हैं तो आवाज करती है, वो आघात मध्यनता है, चपड़ा किया जा सकता है उसको, चौड़ा वो होती है, चालकता जिसमें विद्युत का चालक होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस धातु का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है? वो कौन सी धातु है जिसका न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध होता है? उसका अगर वायर बना दिया जाए तो बिजली बहुत ही कम खर्च होगी, वो कौन सी धातु है? गोल्ड धातु है, या फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, या कंथल? तो दोस्तों गोल्ड है, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें डीएनए उपस्थित नहीं होता है? दोस्तों कौन से ऐसे ऑप्शन आपको दे रखा है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? परिपक्व शुक्राणु डीएनए होता है दोस्तों, एक संलग्न डिम्ड बिल्कुल पाया जाएगा, बालों की जड़, तो देखिए आरोपियों का पता लगाने के लिए अगर उसका आरोपी का बाल भी गिर जाए तो वहां से भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक परिपक्व आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकमनिष्ठ फुलरिन में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? जो मकमनिष्ठ फुलरिन होता है दोस्तों, इसमें कार्बन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? रट लीजिएगा दोस्तों, इसमें कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय जब बच्चे का जन्म होता है उसमें माता के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है, कब? हमारे रक्त में आरएच कारक पाया जाता है, इस आरएच कारक का बताना है, यानी माता आरएच कारक नेगेटिव हो और बच्चा है वो आरएच कारक पॉजिटिव हो गया तो ये समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई यहाँ तक कि दोस्तों रक्त है वो क्या है, खराब हो जाता है और माता की मृत्यु तक हो सकती है, कब होता है? दोस्तों इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि माता अगर आरएच नेगेटिव है, माता के ब्लड में आरएच कारक नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर आरएच कारक आ गया तो दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत ही क्या है, खतरा हो सकता है, तो ये संगति उत्पन्न हो जाती है, ध्यान रखना। माता आरएच नेगेटिव है और क्या है, बेटा आरएच पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, खतरा हो सकता है, दोनों ऑप्शन एक ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका ए अभी कोई मानो, दोनों एक ही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप से रोगी की दिल की धड़कन माप डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के, स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर कानों में लगाते हैं, हमारे हड्डे पे लगाता है, हमारे दिल की धड़कन है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, इसमें ध्वनि का क्या होता है? दोस्तों ध्वनि के विवर्तन के द्वारा, ध्वनि के अपवर्तन के द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा, या ध्वनि के ध्रुवण के द्वारा? दोस्तों ये बहुपरावर्तन के कारण संभव हो पाता है कि डॉक्टर हमारे हड्डे की आवाज को सुन पाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों आपसे अधातु पूछा गया है, हम फेमस प्रश्न देख के सीधा पारा टिक मार देते हैं कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है, दोस्तों धातु पूछे
कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा होगा। हमें अधातु पूछा गया तो अधातु ब्रोमीन है, ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। वाहनों के अंदर जो सीएनजी गैस यूज की जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोपेन पाया जाता है, एथेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है या ब्यूटेन पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जो सीएनजी, इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्दम मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम का। दोस्तों दुर्गम मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कौन से वर्षन से होता है वो आपको बनाना है। विवेक से होता है, ओवेल से होता है, फैल्सीपेरम से या मलेरिया से। तो ये दुर्गम मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम का फैल्सीपेरम वर्जन होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके है, इंडियन जो आपका भूगोल है जियोग्राफी से है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC किन देशों के मध्य है? जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, देखो भारत पाकिस्तान के बीच तो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC ये किन देशों के बीच में? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन और भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो देखिएगा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है, LAC दोस्तों हमारी भारत और चाइना के साथ में है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, 15106 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये अपनी 15106 किलोमीटर हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालाबार तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? दोस्तों मालाबार तट है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक, उत्तर में गोवा से दक्षिण में मंगलुरु तक, कच्छ के रण से काठियावाड़ तक, और उत्तर में मंगलुरु से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर में मंगलुरु से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है हमारा मालाबार तट, डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती, जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या कहा जाता है? पहाड़ों में ऐसी कुछ मृदा वगैरह पाई जाती है, पहाड़ियों से आपका प्रश्न बना है कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा है वो खादर कहलाती है, और प्राचीन जलोढ़ मृदा को मागर कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न आपको यूं लगेगा कि वास्तव में एग्जाम का पेपर यही है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर है? सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो नंदा देवी आप सभी का उत्तराखंड के अंदर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नया नाम क्या दिया गया? दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, गांधी राष्ट्रीय उद्यान या राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रूपप्रयाग किन नदियों की मिलन स्थली है? दोस्तों रूपप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है, कौन सी दो नदियां मिलती है आपके स्थान को रूपप्रयाग कहा जाता है? गंगा और यमुना, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और बिलंगी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी है ये जहां पे मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेट्यूर बांध किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक बार पुनः, मेट्यूर बांध आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है? कृष्णा पर, कावेरी पर, गोदावरी पर या पन्नेर पर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पर दोस्तों स्थित है आपका मेट्यूर बांध, बी ऑप्शन राइट है। कृष्णा नदी से आपसे पूछा जाएगा, कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो कौन से राज्यों के बीच में है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको बताऊंगा, ये मेरा वादा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिएगा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर से संबंधित बांध है? भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, इससे संबंधित बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, माही बजाज सागर बांध, भाखड़ा नागल बांध या राणा प्रताप सागर बांध? तो दोस्तों देखिएगा, जो सतलज और व्यास नदी पर बना हुआ भाखड़ा नागल बांध है, इसका इसमें क्या है, इस अपनी गोविंद वल्लभ पंत झील है, इसका पानी भी आता है, तो सी ऑप्शन राइट है, इससे यह संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? दोस्तों अगले प्रश्न हमारे पॉलिटिक्स से आपसे वादा किया है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसा आपका एग्जाम का पेपर आने वाला वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास या उपयोग सभी? विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, सारी स्वतंत्रता है यहाँ पे, सी और डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 40 है ये किससे संबंधित हो जाएगा, फटाफट से आपको बताना। गांधी जी आपको याद जरूर आने चाहिए, गांधी विचारधाराओं की बात करता है, इनके ग्राम पंचायतों के गठन की दोस्तों बात की गई है इसके अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
राज्यपाल संविधान की किस अनुसूची के तहत शपथ लेता है? दोस्तों राज्यपाल की शपथ है वो हमारे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत ली जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुसूची एक, अनुसूची चार, अनुसूची छः और अनुसूची तीन। तो राज्यपाल है वो अनुसूची तीन के तहत क्या करता है, शपथ लेता है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य का मुख्य कार्यपालक किसे कहा जाता है? राज्य होता है उस राज्य का मुख्य कार्यपालक है वो किसे कहा जाता है, यानी कि राज्य का वास्तव में जो प्रधान होता है, वास्तव में जो पूरा राज्य चलाता है वो व्यक्ति कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर महाधिवक्ता? तो संवैधानिक कार्य प्रमुख है वो तो राज्यपाल होता है, वास्तविक या मुख्य कार्यपाल है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? जो राजस्थान गवर्नमेंट है या और भी जो राज्य है उनका भू राजस्व है वो कौन एकत्रित करता है? जिलाधीश करता है, उपखंड अधिकारी करता है, मुख्य सचिव या पटवारी? तो ये नीचे वाली कड़ी है लास्ट तक आके क्या जिलाधीश तक आती है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मुख्य रूप से राज्य जिलाधीश पर ये काम सौंपता है, फिर नीचे स्टेप बनते जाते हैं, जिलाधीश अपने निचले लेवल के अधिकारी होते हैं उनसे ये कार्य करवाता है। 18 वस्तुओं का आपसे क्या कार्य देखिएगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक आप एसपी बटे सीपी वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 18 है, विक्रय मूल्य 20 है और फिर कितनी वस्तुएं हैं, ये आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, आप नॉर्मली करें, हमें पूछा क्या जा रहा है पहले वो देखो, तो इस सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत हमें पूछा जा रहा है। तो देखिएगा टोटल वस्तुओं 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जबकि 20 बेचनी पड़ रही, मतलब हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, तो 2 की हानि हो रही है। ठीक है, 2 की हानि कितने पे हो रही है, तो कितनी वस्तुओं पे हो रही है, 20 पे हो रही है, तो 2/20 गुणा क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/50 और 50 में क्या है, ये आप 50 का भाग जाएगा 100 में, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे भाई देखो, 2/20 गुणा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 500, 5 9 10 हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा अंक शामिल नहीं है? अगर दोस्तों हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कौन सा अंक उसमें नहीं आएगा, चलो कर देते हैं दोस्तों। 140 है, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो ये 70 रह जाएगा, 70 में 2 का भाग जाएगा 35 रहेगा, 35 में 3 का भाग जाता नहीं है, 5 का भाग जाएगा तो 7 रहेगा, 7 में 7 का भाग एक बार, तो 2 आता है, 5 आता है और 7 आता है। यहाँ पे इसने क्या है, 3 दे रखा है, 2 और 5 तो आता है, तो 3 नहीं आता है इसके अभाज्य गुणनखंड में। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किसी संख्या के 65% तथा उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है, 22.20% है। तो हमें पूछे गया कि उस संख्या का 50% ज्ञात करो। दोस्तों बड़ा अच्छा सा सवाल है, 65% और 35% का अंतर, मतलब 65 - 35, 30% हमें दे रखा है उस संख्या का, 30% है वो कितना आ रहा है, 22.20 आ रहा है, मतलब 30% का मान कितना है, 22.2 है बटे 30, तो 1% का मान निकलेगा। हमें पूछा उस संख्या का 50% ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इसको 50 से गुणा करेंगे तो 50% का मान निकल जाएगा। इसको दोस्तों आप सोल्व करोगे तो देखिएगा 37 आपका आंसर मिल जाएगा, इसको आप सोल्व कर देना आपको आंसर मिल जाएगा, 0 से 0 काट देना, 3 का भाग 22.5 में देना, या फिर 5 को 22.110 हो जाएगा, 3 का भाग दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, राम मोहन और सोहन मिलकर 25,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। दोस्तों राम मोहन और सोहन है, इन्होंने 25,000 रुपए लगाकर एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यदि वर्ष के अंत में राम को 5,000, वर्ष के अंत में राम को 5,000 रुपए मिले, मोहन को 2,000 रुपए मिले और सोहन को 3,000 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ किस किसने कितने रुपए लगाए थे। आपको वैसे तीनों को बराबर लाभ, पार्टनर बने दोस्तों, पार्टनर गणित में परसेंटेज के आधार पर बढ़ा जाता है, जिसने जितने पैसे लगाए वो उतने का पार्टनर होता है। तो देखो इसको 5 मिले, 25,000 का लाभ हो रहा, उनमें से इनको क्या 25,000 की पूंजी लगे, इनका अनुपात कितना हो रहा, 5, 2 और 3, तो टोटल कितना हो गया, 5, 2, 7 और 3, 10, यानी कि 10 में से हमें किसका पूछा, मोहन का, तो मोहन को कितने मिल रहे हैं, 10 में से 2 मिल रहे हैं, यानी कि 2/10 मिल रहा है, तो इसने पूंजी भी 2/10 लगाई होगी, पूंजी कितनी थी 25,000, तो 25,000 गुणा क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, 25,000 गुणा 2 50,000, 50,000 में 10 का भाग दोगे 5,000 आ जाएगा, 5,000 में ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए डी में दिया हुआ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत इजी से प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन है, घन की भुजा कितनी
रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर है। तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो 6 गुना 64 कर लो और 64 को 6 से करोगे देखिएगा 6 चौके 24 हासिल लगे 4 पीछे 4 आएगा, इतना पता चल गया 384 में पीछे 4 आ रहा है। जल्दी प्रश्न सही करने का ये ट्रिक हो गया भाई अपना। तो 384 वर्ग सेंटीमीटर जो भी बता रहे हैं आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इंग्लिश का आ चुका है दोस्तों, ऑनेस्टी खाली जगह बेस्ट पॉलिसी, बताओ भाई इसके अंदर क्या आ जाएगा। दोस्तों क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर लो, पहली बार नहीं आयो फिर भी देखो सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल कर लो। पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और आप अच्छे प्रकार से क्या है तैयारी कर पाए। आपका ही यहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है तो अच्छे प्रकार से जुड़े रहना है, और भी बहुत सारी क्लास आएगी उनको भी देखना है। और यहाँ पे जो भी इजदा बता रहा है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है चेंज टू पैसिव वॉइस, एक कोई वाक्य दे रखा है इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है। एक्टिव वॉइस में कि एक कार रन ओवर द डॉग, एक कार है वो कुत्ते के ऊपर आ गई, इसको पैसिव वॉइस में बदलो, कैसे बदलोगे। द कार वाज रन ओवर डॉग, द कार वाज रन ओवर डॉग, तो ये तो कार कुत्ते के ऊपर आ गई थी वही रहा। बाय द डॉग रन इनटू कार, कुत्ते के द्वारा कार को, ये तो नहीं हुआ कुछ। द डॉग वाज रन ओवर कार, डॉग है वो रन ओवर कार, तो ये भी कुछ हुआ नहीं। और अगला है कि द डॉग वाज रन ओवर बाय द कार, बिल्कुल डॉग है वो नीचे आ गया या रन ओवर नीचे आ गया किसके द्वारा, बाय ए कार, इनकी कार के द्वारा। तो ये अपना यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, एक कोई वॉइस दे रखा आपको सेंटेंस दे रखा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है। गीता सेड आई लाइक दिस बुक, गीता ने कहा कि ये बुक मुझे क्या है पसंद है, बताओ क्या हो जाएगा। गीता सेड दैट ही लाइक द बुक, गीता ने कहा कि उसे वो किताब पसंद है, लेकिन दोस्तों ही लगा है, गीता ही नहीं है, गीता सी है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए ही का प्रयोग नहीं होता, बाकी वाक्य तो सही है, स्त्रीलिंग के लिए सी लगता है। तो गीता सेड दैट सी लाइक दैट बुक, ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों ही वाज खाली जगह फर्स्ट मैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बताओ भाई खाली जगह में क्या आ जाएगा। आर्टिकल्स का प्रयोग करना है कि ही वाज खाली जगह फर्स्ट मैन टू द सॉल्व प्रॉब्लम, वो पहला व्यक्ति है जिसने इस समस्या का समाधान किया, इस समस्या को हल किया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वाज द फर्स्ट मैन, क्या हो जाएगा, ही वाज द फर्स्ट मैन हु टू क्या है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, एक आपको कुछ वाक्य ले रखा है इस वाक्य को इंग्लिश में बदलना है, मेज पर क्या है, मेज पर क्या है इसको आपको क्या है इंग्लिश के अंदर बदलना है। हु इज ऑन द टेबल, हु कौन है, ये तो हो जाएगा गलत। क्या पूछा तो देखो कुछ नहीं आता, लेकिन क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है इतना तो पता है। वेयर इज ऑन द, कहां है मेज पर कुछ, ये भी कुछ हुआ नहीं, गड़बड़ हो गई। व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो ये बात सही है, लेकिन दोस्तों माइनर से जी छोटी सी मिस्टेक आपका प्रश्न गलत करा सकती है। देखिएगा ये व्हाट इज ऑन द टेबल के पीछे डॉट लगा है, और इधर व्हाट इज ऑन द टेबल के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है मेज पर क्या है, और WH वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे, तो ये सही हो जाएगा। आपको सर दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो देखो आपका यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मेज पर क्या है, व्हाट इज ऑन द टेबल। दोस्तों ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मॉडल पेपर को हमने हल किया, मेरी पूरी कोशिश रही कि बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। आप चाहते हैं ऐसी क्लासे, और आप कमेंट करके बताइएगा, बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर क्लास हमें अच्छी लगी है, हमने लाइक कर दिया है क्लास को, चैनल को भी हमने सब्सक्राइब कर दिया है, और आप ऐसी क्लासे और लेके आइएगा ताकि क्या है हमारी तैयारी अच्छी हो सके। और मेरा अंतिम समय के अंदर एक प्रयास और रहता है कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकूं, ताकि आपको यूं ना लगे कि एग्जाम डर ना लगे, उसके लिए कुछ प्रश्न मैं ऐसे भी लेके आता रहूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन कर ले, फ्री टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। आरपी स्टडी फेवर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पूरा 150 प्रश्नों का आपका इतनी का PDF नोट्स वगैरह क्लास वगैरह आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। धन्यवाद।